वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। स्कॉडा इंडिया ने ऑटो एक्सपो में अपनी मिड साइज सेडान रैपिड के BS6 वर्जन को शोकेस किया था, जिसमें एक ब्रांड न्यू पेट्रोल इंजन मिलता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको BS6 रैपिड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। बहुत से लोगों को लग रहा था कि स्कॉडा शेवरले की तरह इंडिया में अपना बिजनेस बंद करके चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 2020 ऑटो एक्सपो में स्कॉडा ने अपनी काफी सारी गाड़ियों को डिस्प्ले किया था, जिसमें से एक थी BS6 रैपिड। ये BS6 रैपिड नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, बल्कि करंट जेन रैपिड का BS6 वर्जन है, जिसमें एक नया 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 110 PS की पीक पावर प्रोड्यूस करता है। ये इंजन बिल्कुल नया है और ये रिप्लेस करेगा रैपिड में करंटली मिलने वाले पेट्रोल और डीजल इंजन को। और अब 2020 से इंडिया में स्कॉडा सिर्फ पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां ही बेचा करेगी और फ्यूचर में CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बेच सकती है। BS6 इंजन के साथ साथ स्कॉडा ने रैपिड के दो नए वर्जन को भी शोकेस किया था, जो कि हैं रैपिड मैट कॉन्सेप्ट और रैपिड मॉन्टी कार्लो एडिशन, जो कि दोनों एक दूसरे से सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस पर ही डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। रैपिड मैट कॉन्सेप्ट में एक्सटीरियर में मैट ब्लैक फिनिशिंग कलर ऑप्शन के साथ आता है, जिसके साथ कॉन्ट्रास्ट रेड लाइट्स भी दी गई हैं। इस वर्जन में नए डिजाइन के ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ मॉन्टी कार्लो एडिशन में करंटली मिलने वाले BS4 मॉन्टी कार्लो एडिशन जैसे ही सिर्फ एक चेंज है। 2020 मॉन्टी कार्लो एडिशन में जो कि है इसके नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स। इन सब चेंजेस के साथ स्कॉडा इंडिया ने यह भी अनाउंस किया था कि BS6 रैपिड में हमें एक नई टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। हालांकि कंपनी ने इसके एग्जैक्ट साइज को डिस्क्लोज नहीं किया है। BS6 रैपिड में आपको 5-स्पीड मैनुअल और DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन भी मिला करेंगे। अब इसके प्राइसेस की बात करूं तो करंट जनरेशन BS4 रैपिड से ये थोड़ी महंगी हो जाएगी, लेकिन कुछ बहुत बड़ा प्राइस आज देखने को नहीं मिल सकता। और ये एक बार लॉन्च होने के बाद Hyundai वरना, होंडा सिटी, मारुति सियाज, टोयोटा यारिस और वेंटो के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से BS6 रैपिड से जुड़ी एक अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।